राजधानी लखनऊ में बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। एयरपोर्ट से वापस आ रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फ्लीट की एक गाड़ी अर्जुनगंज के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक ही फ्लीट के सामने एक कुत्ता आ गया, जिसको बचाने के लिए गाड़ी अनबैलेंस हुई और दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि सीएम की सुरक्षा में जिला पुलिस की गाड़ियां सबसे आगे खाली रास्ता चेक करते हुए चलती हैं। इसी एंटी डेमो कार की टक्कर हुई है। हादसे में 5 पुलिसकर्मी और 6 आम नागरिक यानी कुल 11 लोग घायल हैं। एक गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी को केजीएमयू के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। 5 घायलों का लोहिया और 6 का केजीएमयू में इलाज चल रहा है। बताते चले कि मुख्यमंत्री की फ्लीट से पहले रास्ते का निरीक्षण करने वाली एंटी डेमो गाड़ी की भिड़ंत हुई है। ये जिला प्रशासन की गाड़ी होती है, जो सीएम रूट पर कोई प्रदर्शन ना हो इसके लिए पहले ही रवाना की जाती है। और इस दुर्घटना का सीएम की फ्लीट से कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये गाड़ी सीएम के काफिले से काफी आगे चलती है। ये जो घटना हुई है, ये लगभग 7:45 के लगभग का समय जो हमें बताया जा रहा है। और ये घटनास्थल जो है वो अगर आप शहीद पथ से आते हैं तो इमामों से उतर के अर्जुनगंज की तरफ मुड़ते हैं और आगे मरी माता का मंदिर पड़ता है, उस बीच जो है थोड़ी से मंदिर के पहले ही हुई है। और जो घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लीट चलती है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जिला पुलिस के आगे गाड़ियाँ चलती है, इंटरसेप्टर और एंटी डेमो की गाड़ियाँ भी चलती है, वो आगे रास्ता रूट क्लियर कराती है। तो संभवतः बताया जा रहा है, जो स्थानीय पूछताछ से समझ में आया कि वहाँ सड़क पर कोई कुत्ता है जो अचानक से रास्ते पे आया है, या उसकी बॉडी पहले से पड़ी थी ये अभी क्लियर नहीं है। इंटरसेप्टर गाड़ी उसको क्रॉस करती है, इंटरसेप्टर द्वारा पीछे की गाड़ियों को भी बताया जाता है, बट इंटरसेप्टर के जस्ट पीछे एंटी डेमो की गाड़ी थी जो सूमो गाड़ी है, ये उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसका एक टायर जो है उसके ऊपर आता है, जिसके कारण गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और सड़क के दाहिनी ओर मुड़ करके वहां पर भी 2 गाड़ियां और पब्लिक के जो लोग थे उनको चपेट में ले लेती है, जिस क्रम में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और इंजर्ड और जो स्थिति जो हम लोगों को अभी जानकारी मिली है, 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, इसके अलावा लगभग 6 जो है सिविलियन, इनको भी बताया गया कि घायल हुए हैं। टोटल 11 की जानकारी मिली है और उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया, इलाज उनका चल रहा है। और इनका जो डिटेल्स होगा और भी जो घटनाक्रम जैसे जैसे जानकारी में आएगा आप लोगों के साथ शेयर। कैजुअल्टी की ऐसी कोई जानकारी नहीं है, 11 लोग इंजर्ड जरूर हैं, उसमें कुछ ये माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लीट थी, बट ये फ्लीट से इसका कोई मतलब नहीं होता। आगे की जो गाड़ियां होती है वो जिला पुलिस की जो है वो स्कॉट करके और पायलट करते हुए रूट को क्लियर कराते हुए जाती है। तो एंटी डेमो का उद्देश्य ये होता है कि रस्ते में कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए एंटी डेमो की गाड़ी सबसे आगे चलती है, फ्लीट से ये काफी आगे चलती है। इंजर्ड हुए वहां पर खड़े हुए थे, फ्लीट को देख रहे थे या कुछ काम कर रहे थे या रहने वाले नहीं? ये गाड़ी जो है जब उसका बैलेंस गड़बड़ाया तो दाहिने और सड़क के छोड़ करके दाहिने और घुस गई, वहां 2 गाड़ियां थी उसमें भी टक्कर लगी और कुछ लोग वहां खड़े थे, जैसा वहां पर लोकल स्थानीय लोगों ने बताया कि खड़े थे तो उनको चपेट में आ गए, इस कारण से इंजरी। फ्लीट में सर उस वक्त सीएम सर भी मौजूद? नहीं नहीं, फ्लीट तो पीछे थी, ये फ्लीट के काफी आगे चलती है एंटी डेमो, तो एंटी डेमो के साथ ये घटना हुई है, फ्लीट के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, फ्लीट पीछे चलती है। पुलिसकर्मी 5 जो है उसको घायल बताया गया तो उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया, बाकी और 6 सिविलियन की जानकारी मिली है और अभी अस्पताल से हम लोग डिटेल ले रहे हैं, यदि कोई डायरेक्ट ही अपने स्वेच्छा से कहीं किसी हॉस्पिटल में पहुंचा होगा तो उसके बारे में और शेयर किया जाएगा।